Hello everyone, I am Asan Chaudhary, your science teacher. Today we discuss about wind, storm and cyclone, chapter number 8, class 7 science. Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. The cyclone seemed 4,500 houses, making 7 lakh people harmless. 7 lakh people homeless on 29 October, the same year, a second cyclone with the wind speed of 260 km per hour hit Odisha again. It was accompanied by water wave about 9 meter high. Thousands of people lost their lives, property, or crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication, and electricity supply. देखो बच्चों कितनी भयानक बात लिखी गई है. उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था 1999 में, जिसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर और उसमें बहुत सारे घर गिर गए, बहुत लोग मर गए, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई. इतना ही नहीं, उसी साल एक साइक्लोन आया था 18 तारीख को, दूसरा आया 29 तारीख को, जिसकी स्पीड और भी तेज थी और उसने बिजली, ट्रांसपोर्ट, सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया. इससे बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोग मर गए. मतलब इसमें जनधन सबकी बहुत ज़्यादा हानि हुई, खेती गृहस्थी सब बेकार हो गया. एक सैटेलाइट व्यू दिया गया है कि किस तरह से साइक्लोन आया था, कैसे स्पीड थी, दिखाने का प्रयास किया गया है. बट व्हाट आर साइक्लोन, लेकिन साइक्लोन क्या होते हैं, हाउ आर दे फॉर्म, वो कैसे बनते हैं, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, इतने विध्वंसक कैसे होते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल सी आंसर टू सम आप दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर को प्राप्त करने का हम लोग इस चैप्टर में प्रयास करेंगे. वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर. दीज एक्टिविटी विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर कंसर्निंग अ साइक्लोन. बिफोर वी बिगिन, रिमेंबर द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब हवा मूव करती है तो उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. लेकिन ये मूव क्यों करती है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, हवा दबाव कैसे डालती है. यू नीड टू बॉयल वाटर इन ए फर्म. देखो इसमें क्या हो रहा है, एक गर्म डब्बा है जिसको गर्म किया गया, उसी में जो है फिर पानी डाल दिया गया और उस पर ठंडा पानी डाला गया और किस तरह शक्ल में हो गया, देख रहे हैं कैसा पिचक गया. इस तरह से ऐसे अगर ग्लास आपके पास है उस पर तुरंत पानी डाल दो तो जो अचानक परिवर्तन होगा तो उससे उसका शक्ल बदल जाएगा, टूट जाएगा. यहां देखो ब्लोइंग इनटू द बॉटल, हाई स्पीड विंड आर एकॉम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर. मतलब अगर कभी हाई स्पीड होगी विंड की, मतलब खूब तेजी से अगर हवा चलेगा तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए देखो टीन टप्पर जो होते हैं उड़ने पड़ने लगते हैं, क्योंकि हवा तेज होती है, प्रेशर कम हो जाता है, ऊपर उठ जाते हैं. यहां देखो दो गुब्बारे हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करिए.
Take two balloons of approximately equal size, put a little water into the balloons, blow up both the balloons and tight each one to a string. Hang the balloons 8 to 10 cm apart on a cycle spoke of the stick. Blow the space between the balloon. Hold strip of paper. यहाँ पे सब एयर प्रेशर ही बताया गया है कि ऐसे कोई पेपर लो, उसको फूंक मारो, उसके ऊपर से फूंक मारोगे तो पेपर अपने आप ऊपर उठ जाएगा. ये है एयर प्रेशर का इफेक्ट. एयर स्पीड और प्रेशर का रिलेशन है. यहाँ देखो, गुब्बारे की शक्ल देखिए, कहाँ हॉट वाटर में कैसा है और नॉर्मल वाटर में कैसा है और ठंडे पानी में कैसा है. एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो. मतलब जहां एयर प्रेशर हाई होता है वहां से हवा किधर जाती है, जहां पे एयर प्रेशर कम होता है उधर जाती है. क्यों जाती है, कैसे जाती है? जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरा हुआ है, थोड़ा सा कहीं छेद हो जाएगा तो जिसे पंचर कहते हैं, हवा सब बाहर निकल जाएगी. क्यों निकल जाएगी? क्योंकि ट्यूब के अंदर एयर प्रेशर अधिक है और बाहर एयर प्रेशर कम है. इसका मतलब एयर अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करती है. एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, और जब एयर को गर्म करते हैं तो वो बढ़ती भी है. इसका वॉल्यूम बढ़ता है. जैसे गर्मियों में साइकिल के ट्यूब अधिक फटते हैं. क्यों? थोड़ी सी धूप होगी तो एक्सपेंड कर जाएगा, उसको ज्यादा जगह चाहिए, ट्यूब में कम जगह होता है और वो फट जाता है. तो जब ये हवा को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है. लेकिन वॉल्यूम बढ़ता है, हवा हल्की हो जाती है. जैसे देखो, दोनों में गैस भरा, हवा भरा हुआ है, एक को गर्म कर रहे हैं, जिसको गर्म कर रहे हैं वो ऊपर चला गया. क्यों ऊपर चला गया? क्योंकि हल्का हो गया. वॉल्यूम तो बढ़ता है लेकिन उसका वो हल्का हो जाता है. द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर. मतलब जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है. और जो विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, जो हवा इधर से उधर बहती है उसका क्या कारण है? धरती का अनइवन हीटिंग. मतलब पृथ्वी कभी कोई पार्ट उसका गर्म होगा, कभी कोई पार्ट गर्म होगा. मतलब दो पार्ट हैं, जहां सनलाइट पड़ती है, जिधर सनलाइट पड़ेगी वहां तो गर्म रहेगा और जहां सनलाइट नहीं पड़ेगी वहां ठंडा होगा. इसको कहते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ. और हवा जो है बहती रहती है इधर उधर, जो हवा गर्म हो जाती है वो हल्की हो जाती है, और जो हल्की हो जाती है उसका वॉल्यूम अधिक हो जाता है. वॉल्यूम अधिक हो जाता है प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो दूसरी तरफ मूव करने लगती है. फिर देखिए, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, व्हिच मींस सीजन. तो इस तरह से यहां तक हम लोग देख लिए हैं. अब आगे से हम लोग जो है पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म के बारे में. ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का.